नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में बात करें अगर चिराग पासवान की, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों उपचुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनका मसीहा बन रहे हैं। इसी बीच जमुई के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कल आप सब जानते हैं कि कल जब तारापुर चुनाव प्रचार में जाने के क्रम में जिस तरीके से कुछ मतदाता साथी ग्रामीण लोग सामने आए और उन्होंने आकर, ये मैं किसी एक प्रखंड का भी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी कल सुनो प्रखंड की एक पंचायत की वो सब लोग जिन्होंने मुझे यहाँ कचहरी चौक के पास जिन्होंने रोका, रो रहे थे, बिलख रहे थे, मुझसे उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने आग्रह किया रोते रोते, ये अपने में दर्शाता है कि भैया सरकार और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासन प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं लोकल बॉडी के, उसमें अनेकों जिलों से, अनेकों प्रखंडों से, अनेकों पंचायतों से इस तरीके की समस्या आई है कि भैया यहाँ पर धांधली हो रही है, ये हो रहा है, जीत हुई, और ये आप सब भी सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, ये मर्मरी हर एक जगह है, आपको भी सुन रहे होंगे कि अरे फलाना का हो गया था फाइनल, रात होते होते सर्टिफिकेट किसी और को, ये एक परंपरा बनती जा रही है बिहार में। हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव के वक्त भी हम लोगों ने देखा कितने हमारे ही प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी के ही उस वक्त कितने प्रत्याशी थे जिनको दोपहर शाम तक कहा गया था कि भैया आप दीजिए आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा, आपका सर्टिफिकेट तैयार होगा, और रात होते होते देर रात आते आते तक वो सर्टिफिकेट किसी दूसरे पार्टी के नाम पर और सत्ताधारी दल की पार्टी के नाम पर वो सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये जिस तरीके से शासन प्रशासन का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, हम लोगों ने इस बात की शिकायत देखे लोगों ने भी प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, हम लोग चुनाव आयोग को भी हम लोग करने जा रहे हैं इस बात की शिकायत, नहीं जिस तरीके से दबाव में प्रशासन काम कर, आप प्रशासन को आप निष्पक्ष छोड़ दीजिए ना, जो सही है, जो गलत है गलत है। कहीं पे हम लोग रिकाउंटिंग की मांग करते हैं, ये लोग रिकाउंटिंग वहां पे नहीं करवाता है। बूथ का अगर हम लोग दिखाते हैं ईवीएम मशीन कितनी जगह, भाई सही बात है कि ग्रामीण लोग हैं उनको जानकारी थोड़ी कम होती है, उन लोगों को नहीं पता कि नियम कायदा कानून क्या है, ये वहीं पे जब काउंटिंग चल रही होती है तो बोला जाता है अरे ईवीएम मशीन खराब हो गई है, हम इसको ठीक करवा के लाते, अंदर जाता है भगवान जाने क्या करते हैं नहीं करते, बाहर आके उसमें परिणाम अलग हो जाते हैं। तो आने वाले समय में, और ये इसी तरीके का प्रयास यकीनन दोनों जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी करने का ये प्रयास करेगी, पर मुझे खुशी इस बात की है कि इतना भारी समर्थन जनता का हम लोगों के पक्ष में है और इनके विरोध में है कि इनके लाख प्रयासों के बावजूद भी कुछ एक जगह जरूर है ऐसी जहां पर ये लोग अपनी जो भी इनकी मानसिकता है उसमें लोग सफल हो जाते हैं, पर अधिकांश जगहों पर जहां जहां पर भी लोकल बॉडी के चुनाव हो या ये जो उपचुनाव होने वाले हैं जो एक भारी रुझान। तो सुना आपने कि कैसे चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें इन दिनों चिराग पासवान उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा निशाना वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं, उन पे निशाना साध रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जीत किसकी पक्की होती है। आप देख रहे थे डीटीवी भारत, धन्यवाद।